मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहते हैं कि आपको प्यारी प्यारी ऐसी वीडियोस मिलती रहें या आपकी हौसला अफजाई होती रहे, आपकी परेशानियां खत्म हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर दो, अगर आपको इस्तखारा रूहानी इलाज की जरूरत है, अपनी इस बहन से रابطہ करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। नंबर तीन, आज जो मैं अमल बताने लगी हूँ, कम से कम हमारे पास जब 100 से ज्यादा कमेंट्स एक ही अमल के लिए आ रहे हों, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस अमल के बारे में आपसे बात करें, वजीफे के बारे में बात करें। तो शुरू करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहदीसें। जो मैं शुरू करती हूँ आपको सुनाना, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी प्यारी प्यारी अहदीसों को राह अल्लाह करें, अपने लिए सदकाए जारिया करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोजा रख कर भी बदजुबानी, झूठ न छोड़ा, तो अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छोड़ देने से कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब आप खुद सोच लेंगे, अगर आपने झूठ ही बोलना है, चुगली बखेली या बुराई करनी है, बदजुबानी करनी है, तो फिर अल्लाह के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं दिलों के तकवों को देखता हूँ। तो अगर आप रोजा रखते हो, अल्लाह से फरियाद दुआ करते हो, तो मैं आपके दिल को देखता हूँ। क्या ही मजा हो कि आप सारा साल रोजे रखें, सारा साल नहीं रखते तो कम से कम 6 माह रोजे रखें। तो ये अल्लाह ताला ने असूल बनाए है ना, तो जरूर इस चीज को समझें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। आज के बहुत प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं, आप बहन भाइयों की बहुत ज्यादा फरमाइश पे, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आपको वो तरीका बताऊं जो वाकई बरहक और सच्चा, और जिससे वाकई आपको फायदा पहुंचता है। ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, या अमल में आपको तरीका बताने लगी हूँ, वक्त इतवार, पीर, जुमा, जुमेरात, ये टाइम मगरिब, जोहर, उसके बाद आप दिनों का हिसाब मैंने आपको पहले भी समझाया है रखा करें कि दिन जो हो वो इस्लामी दिनों के 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हो, ठीक है। तो इन दिनों में अमल करना, प्यार के लिए, अपने प्यारों को मनाने के लिए, अपने नाराज जो रिश्ते हैं उनको अपने पास मुसख़र तस्खीर करने के लिए, ताकि वो आपसे मिलें, ताकि आपके दिल को सुकून हो, ताकि अल्लाह पाक जो उनसा है, अल्लाह ताला को पसंद है ना मोहब्बत, चाहत, प्यार, आपसी मोहब्बत अल्लाह ताला को पसंद है। शरीयत का थोड़ा ख्याल रखा करें, नेक नीयत जब किसी की अच्छी हो तो यकीन माने अमल से, अगर आप दुआ भी वैसे कर लेंगे तो वो भी कबूल हो जाती है। किसी से आपको बहुत ज्यादा उन्स है, बहुत ज्यादा आपको प्यार है, उसको तस्खीर करने के लिए मैं अमल आपको बताने लगी। कोई कितना भी सख्त है, नाराज है, उसने आपका दिल तोड़ा हो, दिल दुखाया हो, कोई अपना प्यारा इतना है पर आप उसके बगैर रह नहीं सकते, माँ अपने बेटे के लिए, मियाँ बीवी जो है वो भी ये अमल कर सकते हैं, जो बहने भाई हैं जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी ये अमल कर सकते हैं, जो निकाह के ख्वाहिशमंद है तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। हराम मकसद के लिए प्लीज मेरा कोई अमल ना किया करें, मुझसे एक दफा इजाजत जरूर लिया करें अमल से पहले। जुमेरात को कोशिश करें अमल शुरू करें, आप गुसल कर लें, गुसल नहीं किया या कर सकते तो फिर वक्ती तौर पे तो आप वजू कर लें। वजू के बाद आपने एक प्याले में पानी लेना और उसमें अरके गुलाब थोड़ा सा लेना है, एक डोरी लेनी है सुरख रंग की, सुरख रंग की डोरी नहीं है तो धागा बना लें 2-4, उसको जब आप फोल्ड और बेंड करेंगे तो वो एक डोरी की शक्ल बना लेगा या उसकी शेप में आ जाएगा। अब आपने आंखों को बंद करके तसव्वुर करके नाम लेके, आपने तसव्वुर करके नाम लेके आपने अमल शुरू करना है। पढ़ना आपने सबसे पहले आयतल कुर्सी 3 मरतबा, अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा 3 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा, या वदूदू की तस्बीह कम अज कम 99 मरतबा, या 72 मरतबा, या 101 मरतबा, अगर बहुत कम करें तो 33 मरतबा, इससे कम ना करें।
आप इसके बाद उस पानी के ऊपर जो अर्के गुलाब वाला है उसके ऊपर दम करें, उस डोरी के ऊपर दम करें और पानी में छोड़ दें, ठीक है। ये आपका एक तरीका जो अपने प्यारों को, अगर किसी बहन को शादी का मसला है या आपको कोई परेशानी है तो 5 किले लें, 5 किलो पर अमल करें। 5 किलो में से अगर किसी को रिश्तों का मसला है, किसी को अपनी पसंद के रिश्ते वो करवाना चाहते हैं उसका मसला है, या कोई ऐसा मसला है, या आपसी मोहब्बत हमसायों का मसला है, माँ बाप बहन भाई का मसला है, वो आपसी मोहब्बत तस्खीर करना चाहते हैं, रिस्क या कोई ऐसा मसला है या कोई ऐसी परेशानी है, तो 5 किलो पर बिल्कुल उसी तरह पढ़ाई 5 किलो को पानी के अंदर छोड़ दें। कील स्टील की लीजिएगा, कील स्टील की, कील का जो साइज है वो कम से कम 1 इंच होना चाहिए और कीलें जो उनसी हैं आपने 5 लेनी है। अब उनको पानी में आप छोड़ दें अरके गुलाब में, जब तक आप की वो कीलें पानी में रहेंगी, वो डोरी जो उनसी आपने बनाई है वो पानी में रहेगी, उस वक्त तक जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं, जिसको आप बुलाना चाहते हैं, तो वो उसका दिल या वो ऐसा महसूस करेगा जैसे बहुत पानी है, बहुत उसको बेचैनी बेकरारी होगी। नाम लेके पढ़ाई करें, इंशाल्लाह एक दिन का ये अमल है, जरूर कीजिएगा। 3 दिन तक वैसे कर सकते हैं, ज्यादा ताकत के लिए तो 1 दिन काफी है। अब एक कील आपने निकाल के आपने रिश्ता करना है जहां पर उनके घर गिरा दें, या फिर उनके घर आप किसी जगह पर ठोक दें, या फिर आप को वो घर भी नहीं मिलता या कोई ऐसा मसला है तो मस्जिद में, अगर आपको ये भी नहीं लगता अपने घर के दरवाजे के पास जो ऊंची जगह मतलब कि दीवार में आप कील को ठोक दें। जब तक वो कील, एक कील का इस्तेमाल करें, ज्यादा कीलों का नहीं करें। ये एहतियातन 5 कीलें इसलिए बताई हैं कि कोई गिर सकती है, कोई गुम हो सकती है, मगर एक वक्त में जब उसको बुलाना हो, जब उसको मुसख़र करना हो ताकि वो वापस कभी ना जाए, तो 5 कीलों का दिया है तो एक कील बस दीवार में लगाएं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा का अमल जरूर कामयाब होगा। इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाजत दें, अमल से पहले इजाजत लें। जज़ाकअल्लाह खैरा।